भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव पहुंच चुके हैं मलेशिया। जी हां, अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिरकार दिनेश लाल यादव मलेशिया क्यों गए। भाई आप सभी को पता है कि भोजपुरी स्टार्स मलेशिया क्यों जाते हैं। मलेशिया वो जाते हैं अपने स्टेज शो के लिए, अपने फैंस से मिलने के लिए। और आपको बता दें, दिनेश लाल यादव निरहुआ, यानी कि आप उन्हीं के लिए नहीं कह सकते, आप ये कह सकते खेसारी लाल यादव, आप ये कह सकते पवन सिंह, इन सब की फैन फॉलोइंग यानी भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मलेशिया में रहती है। वैसे आपको बता दें कि मलेशिया में एक जगह ऐसी है जहां सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है। तो अब आप ये समझ सकते हैं भोजपुरी का कितना बड़ा क्रेज मलेशिया में है। आपको बता दें कि मलेशिया पहुंचने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने कई गानों पे वहां परफॉर्म किया। और मलेशियाई धरती पर रह रहे भोजपुरिया जगत के वो फैंस जो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के गानों के बहुत बड़े फैन हैं, उनके गाने सुन के, उन्हें लाइव देख के झूम उठे। वैसे ही यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अपने फिल्मों की तरफ, अपने स्टेज शो की तरफ, अपने गानों की तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद जो वापसी की है वो धमाकेदार वापसी की है। और साथ ही साथ इसी बीच उनकी फिल्म, मच अवेटेड फिल्म गबरू का ट्रीजर रिलीज हो गया है। जी हाँ, आप जाइए और इस फिल्म के ट्रीजर को, यानी कि जो फिल्म का ट्रीजर रिलीज हुआ है, रिलीज होते ही आपको बता दें कि फिल्म के ट्रीजर को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, क्योंकि फिल्म काफ़ी अलग मुद्दे पर बनाई जा रही है, लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह के मुद्दे पर फिल्में बहुत कम, या ये कह लें कि न के बराबर बनी है। आप ये जाइए, ट्रीजर देखिए, ट्रीजर से ही आपको पता चल जाएगा कि फिल्म काफ़ी अच्छी बनने वाली है और आप लोगों के सामने जल्द ही ये फिल्म आएगी। अगर आपको गबरू का ट्रीजर देखना है तो अब आप हमारे कम्युनिटी बॉक्स में भी जाकर इस फिल्म के ट्रीजर को देख सकते हैं, या फिर आप महेश पांडे प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इस ट्रीजर को देख सकते हैं, जो कि फिल्म गबरू के लिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होगा। इससे रिलेटेड आपको हर तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। फिर चाहे इस फिल्म का ट्रीजर हो, ट्रेलर हो, गाने हो, सारे कुछ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। फिल्म गबरू के ट्रीजर का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। आप जाइए, इस लिंक को क्लिक कीजिए और इस ट्रीजर का मजा उठाइए। तो बात हो रही थी मलेशिया की, तो मलेशिया की बात करते हुए आपको बता दें कि जैसे ही मलेशियाई फैंस के सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ आए और उन्होंने उनसे पूछा का हो का हाल बा, वैसे ही मलेशियाई फैंस ने भी दिनेश लाल यादव निरहुआ का भव्य स्वागत किया और उनसे आजमगढ़ के चुनाव के बारे में खूब सारे क्वेश्चन किए। और बदले में इस पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी जमकर उन्हें जवाब दिया और उनके जवाब पर तालियों पे तालियां बजती रही। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। Oh, do you know?